नमस्ते दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार व्रत त्योहार और शुभ कार्यों में भद्रा का वर्णन मिलता है। विष्टि या भद्रा ये क्या है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, भद्रा जो है ये भगवान सूर्य और छाया की पुत्री है। जन्मते ही इसने बहुत बड़े विकराल रूप धारण कर लिया था, डरावनी शक्ल थी इसकी। शनि भगवान की बहिन है ये, इसलिए शनि की तरह ही इनका स्वभाव भी बड़ा उग्र रहा। अगर इनके छाया चित्र की बात करें तो गर्दभ के आकार का इसका मुख होता है और लंबी पूंछ होती है और तीन पैर इसके थे। जब ये थोड़ी बड़ी हुई, उस बड़ी होने से पहले बचपन से भी ये और देवताओं के यज्ञों में बाधाएं डालने लगी, शुभ कार्यों में बाधाएं डालने लगी, तो सूर्य भगवान को भी इसकी चिंता हुई। विवाह करने के बारे में उन्होंने सोचा, लेकिन जितने भी प्रस्ताव गए, जो भी उस दौरान राजा महाराजा देवी देवता जितने भी थे, उन्होंने सारों ने इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब सूर्य भगवान की चिंता और बढ़ गई, और बढ़ने की वजह से वे मार्गदर्शन के लिए, परामर्श के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी तो सर्वज्ञ हैं, तो उनको तो सब विधि विधान का ज्ञान ही था। तो उन्होंने इसके पास आए और कहा कि भाई, आप जो विकराल रूप धारण करके पूरी प्रजा को परेशान करते हो, देवताओं को परेशान करते हो, इससे बेटर है आपको एक पंचांग में, जो पांच अंग होते हैं पंचांग के, तिथि वार योग करण नक्षत्र, ये पांच जो अंग होते हैं, इन पांचों अंगों में आपको स्थान दे दिया जाएगा और बाल्य तेतिल करण, ये जो योग होंगे, उनके अंदर आप जो है करण के अंदर आप शामिल हो जाओगे। और फिर जब आपका कोई अनादर करे, कोई अपमान करे, आपका सम्मान नहीं करे, आपको याद नहीं करे, तो केवल उसी को ही आप दुख पहुंचाओ, उसी को ही आप दर्द दो, यूं सामान्य लोगों को परेशान नहीं करो, इतना कहकर के और ब्रह्मा जी चले जाते हैं। इसके बाद से भद्रा जो है वो अपने समय के अनुसार, राशियों के अनुसार अलग अलग जगह पर रहती है। तीनों लोकों में निवास करती है ये, पृथ्वी लोक में भी रहती है, पाताल लोक में भी रहती है और स्वर्ग लोक में भी रहती है। जब ये पृथ्वी लोक पर होती है, उस समय ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि इसका मुख सामने की ओर होता है। पृथ्वी लोक पर होने से भद्रा का मुख सामने की ओर होता है। जब पाताल लोक में ये होती है तो इसका मुख नीचे की तरफ होता है, और जब ये स्वर्ग लोक में होती है तो इसका मुख ऊपर की तरफ। तो जब सामने की तरफ मुख होता है इसका, पौराणिक कथाओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार, तब ये लोगों को ज्यादा दुख देती है। इसका सीधा सा और सरल सा उपाय यही है कि विभिन्न धार्मिक कार्यों में, गृह प्रवेश के दौरान, शुभ कार्य मुहूर्तों में, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, भद्रा के समय को हमेशा टाल देना चाहिए। उसी में ही होशियारी है, नहीं तो कहीं न कहीं ये नुकसान जरूर पहुंचाती है, क्योंकि शनि भगवान की तरह, मैंने पहले ही आपको बताया, बहुत विकराल रूप इसका है और बिना सोचे समझे ये नुकसान करती है। एक मान्यता के अनुसार, एक मिलती है कि वदंती के अनुसार, कि रावण जो था, रावण इतना विद्वान होने के बावजूद भी उसकी बहन ने भद्रा काल में ही उसको राखी बांधी थी, और कहते हैं कि वही उसका नाश का कारण बना। ये मान्यता है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना क्या है, वो अलग बात है, लेकिन भद्रा का साया जरूर रहता है। और पिछली बार भी रक्षाबंधन थी, उस दौरान भी भद्रा का साया रहा है, इस बार भी रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है। ऐसे तो भद्रा के समय को टाल देना ही ज्यादा उचित है, लेकिन अगर भद्रा पूंछ के दौरान होती है, पूंछ में जब होती है, उस दौरान शुभ कार्य किए जा सकते हैं, ऐसी मान्यता है।
उसमें कम नुकसान होने की संभावना है, लेकिन मुख और पीठ के दौरान तो उसको तो टालना बहुत जरूरी है। वैसे अगर देखा जाए तो भद्रा का मतलब कल्याण करना होता है, लेकिन भद्रा किसी भी एंगल से कल्याण करने वाली नहीं है। ये शास्त्रों के अनुसार इसके समय को टाल देने में ही समझदारी है, और जो आस्थावान लोग हैं, जो मानते हैं ज्योतिष को, धर्मशास्त्र को, सनातनी को, हिंदू को, उन सबको भद्रा के समय को निश्चित रूप से टाल देना चाहिए, यही समझदारी का विषय है। थैंक यू।